सर ये बताइए कि काशीराम ने जो लकीर खींची थी या मुलायम सिंह ने जो लकीर खींची थी, अब उस लकीर पर चलने वाले नेता कहाँ हैं भी या नहीं हैं? देखिए, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था उसी बात पे कांशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित लड़ाई माननीय कांशीराम जी ने शुरू किया। आज वो लड़ाई से भटक गई मायावती जी, मुलायम सिंह जी थे वो लड़ाई लड़े, लेकिन जब से वो लड़ाई जिम्मेदारी अपनी अखिलेश जी को दे दिए, अखिलेश जी उन्हीं के गुलाम बन गए हैं। जो लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का अधिकार लूटते हैं उन्हीं के एक तरह से वो गुलाम बन रहे हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। काशी मुलायम मुखर होकर बात रखते थे, आवाज उठाते थे अगर कोई बात उनके समाज के, उनके लोगों के हित के खिलाफ होती थी। आज नेताओं में क्यों नहीं दिखता है? वो क्यों खामोश रहते हैं? बेटा की पाली क्यों आते हैं? तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देने से बचते हैं? देखिए, उसमें बचने का कारण है कि चाहे आप उठा देखिए, राज्यपाल उत्तर प्रदेश का गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, आपके आरबीआई का चीफ गुजराती, पूरे देश पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। और जो सत्ता में रह चुके हैं, जो लूटपाट किए हैं, वो इन लोगों से डरते हैं। अगर ये डरते नहीं तो इनकी जबान खुलती। इनके डर से कि कहीं हमको भी ईडी की चपेट में न आ जाए, सीबीआई की चपेट में न आ जाए, हमारे ऊपर जांच न बैठ जाए, हम जेल न चले जाए, इस नाते कोई नेता बोल नहीं रहा है। 80 के दशक में एक लड़ाई शुरू हुई थी, जो दबे कुचले लोग थे उनकी राजनीतिक ताकत धीरे धीरे बनी थी। बहुत साल लगे थे उसको बनाने में, और उसका नतीजा आपने देखा, दिल्ली से लेके यूपी तक किसान के बेटे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने लगे थे। चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह हो, चौधरी चरण सिंह हो या देवीलाल हो, इस तरह के नेता आगे बढ़े थे। लेकिन अब जो कमाई 20 सालों में अर्जित की गई थी वो एक तरह से कहते हैं लुट गई है। अब संभावना ना के बराबर है कि आज कोई किसान, गरीब, दलित का बेटा दिल्ली के और लखनऊ के तख्त पर बैठ सके। कहाँ चूक कहाँ हो गई, कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी शुरू हुई जब माननीय कांशीराम जी ने बीजेपी से समझौता कर दिया। सपा बसपा गठबंधन जब हुआ 93 में, तो जब बीच में दरार हुई और गठबंधन तोड़ करके बसपा ने गठबंधन बीजेपी से कर लिया, और जबकि बार बार मायावती जी का बयान आता है कि अगर कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ, तो फिर आपने नागनाथ और सांपनाथ से समझौता किस बात का किया? इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग वहीं चले गए जहां से कांशीराम जी, मुलायम जी हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लड़ झगड़ करके हमको उनसे छूट दिलाया, निजात दिलाया, ये लोग वहीं लेकर के हम लोगों को चले गए। आज जो नेता हैं वो नेता अपनी लड़ाई नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ की लड़ाई और समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज के दौर में आपको संभव लगता है कि फिर से जो वर्चस्व था बहुजनों का या दलित पिछड़ों का, वो वर्चस्व लौट पाएगा जो 5-7 साल पहले हुआ करता था? कि देखिए, आप कहेंगे लगभग कि बहुत मुश्किल हो गया लौटना? जब जुर्म जहां होता है वहां निश्चित है कि आग लगती है। आज जिस तरह का जुर्म मजदूरों के साथ हुआ है, मजदूरों में आग लगी हुई है। आज जिस तरह किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, नहीं, ये बातें हमने 2017 का इलेक्शन हुआ विधानसभा तब भी सुनी, नहीं 2019 का भी हुआ, सत्रह लेकिन नतीजे तो कुछ और आए ना सर। और 19 के रिजल्ट कुछ और थे। आज चुनाव हो जाए तो आपको बता दूं, आज का जो नौजवान क्या है, लगता है मीडिया जो है वो लोगों का माइंड जो है जरूरी मुद्दों से भटका देता है, उन्हें डाइवर्ट कर देता है, इसलिए उन्हें जरूरी मुद्दे भूलकर कुछ दूसरे जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पर वोट कर देते हैं? देखिए, आज के तारीख में 95% लोग टीवी खोलने के बाद अगर खोलते भी हैं तो समाचार सुनने का हिम्मत नहीं पड़ती है। आज 95% लोग मीडिया से चिढ़ गए हैं। कुछ चैनलों के एंकर जो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर के टीवी पे बयानबाजी कर दिए हैं, इससे पूरी मीडिया बदनाम हो गई सर है। एक सवाल आया अभी लाइव पे ही है, इंद्र शेफर, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ चले गए थे, वो बीजेपी के साथ चले गए थे, आप भी तो बीजेपी के साथ थे। अब बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन जब तक हम बीजेपी के साथ थे तब तक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई हम मंत्री रहते हुए लड़े हैं। आज तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ऐसा इतिहास किसी ने नहीं कर पाया जो ओम प्रकाश राजभर ने किया है। आप मानते हैं कि इस वक्त जो
85% वाली जो बात होती है दलित पिछड़ा जो आबादी है इस वक्त वो नेतृत्व विहीन है या उनके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं है, जो है भी वो डरे सहमे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिनके कब्जे में है वो बड़ा बड़े नाम सब डरे सहमे हुए हैं, हिम्मत नहीं कर पाते बाहर निकलने की। देखिए ये आपकी बात से हम 100% सहमत हैं और हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर, बाबू राम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, रामकृष्ण कश्यप, रामधनी जी और बाबू राम पाल, ऐसे लोगों को हम एक मोर्चे में ले चुके हैं। अभी जैसे हमारी तो सर इस मोर्चे का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आज का वोटर जो है वो देखता है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या, अगर आपका बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। देखिए कल पार्टियों से समझौते हुए थे, अब हम 10 जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जब 10 जातियों को इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो जो सामने डरे हुए लोग हैं, जो उनके सामने जबान अभी नहीं खोल रहे हैं, चुनाव आते आते वो भी हम लोगों के साथ मजबूर होकर के हम लोगों के साथ आके इस लड़ाई में वो सहयोग करेंगे। सर लेकिन हकीकत ये भी है कि आज का जो दौर है उसमें मोदी इतना बड़ा ब्रांड है कि उसके आगे सारी चीजें गौड़ हो जाती है, लोग कह देते हैं कि कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं, सिर्फ मोदी हैं, क्योंकि मोदी हैं तो सब बेहतर होगा, इतना ही लोगों को यकीन है। तब मोदी नहीं थे तो क्या चल रहा था, जो तो वही सवाल यही सर, मोदी के आगे सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। 70 साल में जितना कांग्रेस ने किया, 60 साल में जितना कांग्रेस ने किया उतना मोदी ने 6 साल में 1947 से लेके जो ले आए थे 2019 तक, उतना मोदी ने 6 साल के 6 साल में हमको फिर 1947 में पहुंचा दिया। उदाहरण बता दूं? नहीं सर ये तो सबको पता है, ये बताइए अभी विकल्प क्या है, लगता है कि इसी तरह से जो दबी कुचली जातियां हैं उनका ये हाल होता रहेगा कि वो बाउंस बैक करेंगे 90 के दशक की तरह, सत्ता में उनकी भागीदारी होगी कि वो जो इसी तरह से जूते लात खाते रहेंगे? नहीं, अब वो समय बदल गया, अब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को चेतना आ गई है कि सत्ता में ताकत होती है, सत्ता के बल पे हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है सत्ता के दम पे, इससे उनको ज्ञान हो गया है। अब इससे निजात लेने के लिए जैसे आपने जिक्र किया प्रतापगढ़ की घटना पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये आग की तरफ फैली है, चाहे वो गोंडा की घटना हो, चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, चाहे आपके अभी यहाँ। लेकिन सर आप प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में जिन पे जाति जुल्म हुई है वो तो रूलिंग पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक है। देखिए ये गांधी जी के 3 बंदर है, गांधी जी के 3 बंदरों के सहारे ये वोट वहां जा रहा है। उनको पता नहीं था कि हम गांधी जी के बंदर पैदा कर रहे हैं, कि हम अपने हित के लिए पैदा कर रहे हैं। आज उनको एहसास हो रहा है कि आज हमारी मुसीबत की घड़ी में ये गांधी जी के बंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना इनकी आंख से दिखाई दे रहा है, ना कान से सुनाई दे रहा है, ना जांघ खुल रही है, ये बात पटेल समाज समझ रहा है। सर बड़े नेता ट्विटर पर सक्रिय हैं, जमीन पर नहीं दिखते हैं, क्या लगता है कि यही वजह है कि लोग भी हम उनसे दूर होते जा रहे हैं और नेता असुविधा भोगी हो गए हैं, संघर्ष से डरते हैं या सरकार के खिलाफ बोलने से बचते हैं, सरकार से डरते हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे देश की ताकत देश के प्रधानमंत्री अपनी मुट्ठी में लिए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री हारते हैं तो जो नेता हैं जो सरकार रहे हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी की है। तो सर डरने वाला फिर कैसे नेतृत्व करेगा, डरने वाला लोगों के अधिकार कैसे दिलाएगा, उनकी लड़ाई कैसे लड़ेगा फिर अगर डर ही रहा है तो इसका मतलब है कि फिर उनको वो प्लेटफॉर्म छोड़ना चाहिए, जगह घेर के वो बैठे हुए हैं। अगर नुकसान प्रकृति का नियम है कि जब सीजन आता है तो बथुआ जानता है, सीजन जब आता है तो बथुआ जानता है, आने दीजिए चुनाव, विकल्प अपने आप के दिखाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ प्रकाश रावत भागीदारी संकल्प मोर्चा के दम पे हम उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचाऊंगा जहां से चल भारतीय जनता पार्टी आई है। आप निश्चित ही दलित पिछड़ों के लिए मेहनत करते हैं, बात करते हैं उनकी, लेकिन उतना बड़ा विकल्प क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि आपके साथ आपकी जो जाति है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, या आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, बड़े संसाधन नहीं है, किस चीज को कमी मानते हैं या ये सोच को कमी मानते हैं
कि लोगों को लगता है कि अपनी अपनी जाति का ही नेता होना चाहिए और जो सबकी बात करता हो, तो जरूरी नहीं कि सबकी बात करने अलग नहीं चाहिए। देखिए, हमने जो जो बात आपने कहा वो बात में सच्चाई है। अभी हमको 2017 के पहले लोग कमजोर समझते थे। जब 2017 में हम सत्ता में आए तो लड़ाई हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार से होने लगी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हिस्सेदारी अधिकार को लेकर के। ये बात जाहिर हो गई। 17 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, 19 का चुनाव हुआ तो हमारी फोटो लगा के भाजपा ने वोट मारा है। राजनाथ जी की सभा में, चाहे प्रधानमंत्री की सभा में, चाहे गृह मंत्री की सभा में, ओम प्रकाश राजभर की फोटो लगा लगा करके लोगों ने वोट मांगा। इस बात का मैं प्रमाण आपको दे सकता हूं। अपने कार्यालय में ओम प्रकाश की बड़ी सी फोटो लगा रखा था, तब वोट पाए हैं। अखिलेश जी से आपकी बात हुई है? बात तो सबसे होती रहती है। तो क्यों आपको वो आपका जो हक है वो देना नहीं चाहते हैं क्या? सीटों पे बात फंस रही है। मैं आपसे कहता हूं कि सीजन में ही बथुआ जानता है। फिर मैं कह रहा हूं, अभी चुनाव का समय नहीं है, सीजन आने दीजिए, अपने आप बथुआ जानेगा। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व है, आपको लगता है कि वो मैच्योर है या अपरिपक्व है राजनीति के हिसाब से? अभी देखिए भाई, 5 साल सत्ता में मुख्यमंत्री रह के सरकार चला चुके हैं, तो उनको आप कैसे दूर करेंगे? अगर मैच्योर नहीं होते तो 5 साल सत्ता कैसे चलाते? और आज जो वर्तमान सरकार है उनकी सरकार में तुलना करेंगे तो अगर वोट पड़ना हो, 100 आदमी से वोट डलवा दीजिए तो 90% लोग वोट देंगे कि नहीं, इनसे बेहतर सरकार अखिलेश ने चलाई। तो 2022 का क्या देख रहे रिजल्ट? फिर मैं कह रहा हूँ, 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाएगी, भाजपा को वहां पहुंचाऊंगा जहां से चल के आए। चलिए, आप शुक्रिया सर। थैंक यू।